तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लेके आए चिकन टिक्के की न्यू रेसिपी। तो वेलकम टू खाओ खाओ खाते जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने एक बाउल में चिकन के पीसेस ले लेने हैं। उसके बाद उसके अंदर 2 चम्मच हमने दही डालना है। फिर हमने उसके अंदर मैदा डालना है। मैदा डालने के बाद हमने डालना है इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट, नमक। उसके बाद हमने उसके अंदर डालना है हल्दी, हल्दी के बाद लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद हमने डालना है धनिया पाउडर। उसके बाद हमने चिकन मसाला डालना है और काफी मसाले डालने हैं, अभी तो फूड कलर भी है। उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। उसके बाद हमने इसके अंदर प्याज भी डालना है। प्याज एकदम रफली चॉप होनी चाहिए। मिक्स करने के बाद हमने इसको मैरिनेट कर लेना है थोड़ी देर के लिए। आपकी मर्जी आप कितनी देर तक मैरिनेट करोगे, जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाए। उसके बाद हमने इसको एकदम टिक्के की तरह सजा कर इसको टूथ पिक या आपके पास कोई भी सीख वगैरह उसके अंदर डाल के आप ऐसे इंसर्ट करके बना सकते हो टिक्का जैसे दिख रहा है आपको। उसके बाद हमने ऐसी बहुत सारे बना लेने हैं। दरअसल चिकन टिक्का पाकिस्तान और बांग्लादेश की एक रेसिपी है, जिसमें कुछ नहीं होता, बस एक मैरिनेशन का प्रोसेस होता है। एक टिक्का बना के उसको बस अंगीठी में डाल दे जिससे वो बन जाता है। तब उसे थोड़ा अलग तरीके से करे जाते हैं। हमने तवे पे ऑयल लेना है और तवे पे एकदम उसको हमने सेकना है, जिसको फ्राई भी कह सकते हो आप। इसके एकदम अच्छे से हमें सारे कोने एकदम फ्राई कर देने हैं, जिससे सारी तरफ से पक जाए। उसके बाद हमने इसको कुछ ज्यादा नहीं सेकना है, अगर ज्यादा सेकेंगे तो ये सड़ भी सकता है। तवे पर सेकना थोड़ा यूनिक सा है कि नहीं। अब इसके बाद एकदम बढ़िया से बंद कर देना है। 5 मिनट के लिए हमें इसको कुक करना है। कुछ भी कर सकते हो आप, जैसे आप स्मोक वाला बना सकते हो। अगर आपको स्मोक वाले की भी रेसिपी चाहिए हमें आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी ये देखिए दोस्तों, फ्रेंड्स, हमारा बन चुका है एकदम। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं। ये रेसिपी मेरी मम्मी की है, काफी सुंदर लग रहा है देखने में। चलो टेस्ट करके देखते हैं। जो जो खाने पीने का शौकीन है, जिसको टिक्का पसंद है, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।